आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से प्रेम यादव के परिवार को घर से हटा करके पुलिस लेकर कहीं जा रही है। नमस्कार। देवरिया हत्याकांड का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बहुत ही गंभीर होता हुआ जा रहा है। आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रेमचंद यादव, जो मृत पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे, उनके घर की नापाई करने जब राजस्व टीम पहुंची, तो वहां पे उसके विरोध में बहुत सारे सपा कार्यकर्ता कूद पड़े। आप देख पा रहे हैं खेतों में जिस तरह से भाग रहे हैं, देखिए जिस तरह से लोग खेतों में कूद पड़े हैं, जितने भी सपा कार्यकर्ता हैं सभी लोग खेतों में कूद पड़े हैं। अब देखिए, ये जितने भी देख रहे हैं मीडिया कर्मी भी उनके वीडियो बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से खेत में हैं, ये धान का खेत है, धान के खेत में पूरे कर्मचारी जितने भी सपा कार्यकर्ता है, यादव लोग हैं, गाँव के लोग हैं, पूरा जुट गए हैं। मामले को गंभीर होते हुए जब पुलिसकर्मियों ने देखा तो उनसे हाथापाई भी हो गई। आप देखिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि प्रेमचंद यादव जी की पत्नी को पुलिस प्रशासन उठा कर लेकर जा रही है। देखिए जिस गली से पीछे के रास्ते से पुलिस प्रशासन प्रेमचंद यादव की बेटी और पत्नी को लेकर जाने का प्रयास कर रही है। अब सोचना बाकी है कि आखिर कहाँ ले जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको ले जाने के बाद घर पे बुलडोजर चल जाएगा। और देखिए सही ना कहीं मुझे लग रहा है कि यही कार्रवाई हो सकती है, जब बुलडोजर पहुँचेगा तो ये लोग रोकने का प्रयास करेंगे, इससे पहले ही कहीं ना कहीं इन लोगों को घर से बाहर कर दिया जा रहा है। देखिए प्रेमचंद यादव की पत्नी पीछे गाड़ी में बैठी है, उसके बगल में दूसरे मोटरसाइकिल पर उसकी बेटी बैठी है, इन लोगों को लेकर जा रही है पुलिस। देखिए पुलिस प्रशासन लेकर जा रही है, आप देखिए कहाँ लेकर जाती है। बड़ा सोचना बाकी है कि जिस तरह से प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलने की बात कही जा रही थी, जिस तरह से आप देख रहे थे कि नहीं, जब प्रेमचंद यादव के घर पर जब राजस्व टीम पहुँचती है तो लोग कूद पड़ते हैं कि नहीं, हम घर को ठहरने नहीं देंगे, घर को गिरने नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राजस्व टीम तो पहुंच गए, लेकिन जब जिला पंचायत सदस्य दो दो बार रहे जिला प्रेमचंद यादव जी, तो जब वो खलिहान की ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर जब घर बना रहे थे, तो उस समय राजस्व विभाग की टीम कहाँ थी। देखिए ये पुलिस प्रशासन भी मोटरसाइकिल से दो लोग पीछे बैठे हुए जा रहे हैं। अब देखिए ये देवरिया की तरफ जो जा रहा है रास्ता, वहाँ पर देखिए निकल पड़ी है पुलिस प्रशासन। आखिर क्या चाहती है, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि प्रेमचंद यादव जी के घर पर बुलडोजर चला रहा है और ये नापा जो नकमाई भी हो रही है, इधर जितने भी सपा कार्यकर्ता वो नहीं चाहते कि कम से कम ये परेशानी बढ़े और बुलडोजर चले प्रेमचंद यादव के घर पर।